आपको रेडियोग्राफी फोटोग्राफी का नोट चाहिए तो हम PDF उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे में ये सब हमारा टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक जितना है हमारा यूनिट्स है वो सब का नोट मिल जाएगा आपको। इसलिए लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नोट हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे में यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सरे फिल्म से लेकर उसका प्रोसेसिंग, एक्सरे कैसेट, इमेज इंस्टीफायर ट्यूब, डार्क रूम का कंस्ट्रक्शन, सब का नोट हम एक्सरे कैसेट। अ कैसेट इज अ कंटेनर फॉर एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्म। एक्सरे कैसेट आर यूज टू होल्ड एक्सरे फिल्म एंड इंटेंसिफाई स्क्रीन इन क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। देखिए एक्सरे कैसेट जो है वो एक कंटेनर है जिसमें एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म होता है। एक्सरे कैसेट किस लिए यूज किया जाता है तो वो होल्ड करते हैं एक्सरे फिल्म का और इंटेंसिफाई स्क्रीन का। अब देखिए हम फीचर्स ऑफ आइडियल कैसेट, एक्सरे कैसेट। अब हम इसका फीचर देखेंगे, एक्सरे कैसेट का फीचर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे में देखिए इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड रेज अवॉइड डेली वेयर एंड टीयर। इट मस्ट बी लाइट इन वेट और टू फैसिलेट इजिली हैंडलिंग एंड कैरिंग। इट इज ईजी टू ओपन एंड क्लोज अंडर लो लाइट कंडीशंस। नो शार्प इज इट ऑन कॉर्नर व्हिच माइट इंजुरी पेशेंट और स्टाफ। द कैसेट फ्रंट मस्ट बी मिनिमम बीम एटेन्यूएंस एंड यूनिफॉर्म इन थिकनेस। इट मस्ट बी लेस एक्सपेंसिव एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। ये जो है एक कैसेट का जो एक फीचर होता है ये सब होता है, जैसे में ये स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड अवॉइड होता है। जैसे में इसका जो ये आप कम लाइट में भी खोल सकते हैं और लगा सकते हैं, ये इजली यूज कर सकते हैं, इसके कैरी भी कर सकते हैं। जैसे में ओपन एंड क्लोज अंडर लो लाइट कंडीशन, जहाँ पर लो कंडीशन लाइट का है वहाँ पर इसे इजली ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। वैसे इसका जो कॉर्नर होता है, जो साइड का एरिया होता है वो शार्प नहीं होता है, ये किसी का इंजरी नहीं करा सकते। जैसे में उसे कोई स्टाफ लेकर एक्सरे करने के लिए जाता है तो नहीं स्टाफ का कोई समस्या होगा, नहीं पेशेंट का। जैसे में ये क्या होता है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ये इजली अवेलेबल होता है ये कैसेट, वो भी डिफरेंट साइज में। अब इसका हम फंक्शंस ऑफ एक्सरे कैसेट, अब एक्सरे कैसेट का हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या क्या है। देखिए टू होल्ड इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। टू एक्सक्लूड ऑल लाइट फ्रॉम इंटरिंग इनटू द कैसेट। टू मेंटेन अ क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बिटवीन फिल्म्स एंड इंटेंसिफाई स्क्रीन। टू एक्सक्लूड डस्ट फ्रॉम स्क्रीन। जैसे में देखिए अब एक्सरे कैसेट का काम क्या क्या होता है, तो ये होल्ड करता है इंटेंसिफाई स्क्रीन का और प्रोटेक्ट भी करता है ये डैमेज होने से, जो हमारा एक्सरे फिल्म होता है और उसके अंदर इंटेंसिफाई स्क्रीन होता है उसे प्रोटेक्ट करता है कि ये डैमेज ना हो। जैसे में लाइट वहाँ पर जा सकता है उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, लाइट को भी नहीं जाने देते हैं। उसके बाद में ये डस्ट जो होता है वो भी नहीं छीर पाते हैं एक्सरे कैसेट के भीतर। उससे क्या होता है कि हमारा इंटेंसिफाई स्क्रीन और एक्सरे फिल्म सेफ होता है, अच्छा होता है, वो बिगड़ता ख़राब नहीं होता है। जैसे में देखिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सरे कैसेट। द एक्सरे कैसेट कंसिस्ट फ्रंट एंड बैक सरफेस हिंज एट लॉन्ग एजेस। अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे एक्सरे कैसेट का। सबसे पहला जो होता है हमारा
एक्सरे कैसेट का फ्रंट पार्ट, जो एक्सरे कैसेट होता है उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो किस किस मटेरियल से बना होता है और क्या क्या काम करता है, कितना कितना थिकनेस होता है, उसके बारे में देखेंगे। द फ्रंट ऑफ कैसेट शुड यूनिफॉर्म इन थिकनेस एंड मेड फ्रॉम लो एटेंडेंस मटेरियल आई एल्यूमिनियम प्लास्टिक लेमिटेड एंड कार्बन फाइबर। द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्विवेलेंट इज अबाउट 1.6 mm एंड इफ प्लास्टिक इज यूज 0.62 mm ऑल इक्विवेलेंट। द यूज ऑफ दीज मटेरियल्स इज फ्लोइंग एडवांटेज स्ट्रेंथ एंड सटिस्फनेस लैक्ड इन वेक्ट लो बीम एब्जॉर्प्शन। देखिए हम एक्सरे कैसेट के फ्रंट पार्ट के देखेंगे, जो एक्सरे कैसेट जो हमारा होता है वो किस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो ये एल्युमिनियम होता है, प्लास्टिक होता है, लेमिनेटेड एंड कार्बन फाइबर जो होता है, ये सब मटेरियल मिलकर हमारा एक्सरे कैसेट का फ्रंट पार्ट जो बना होता है, रेडी हुआ होता है। जैसे में एल्युमिनियम का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, तो 1.6 mm, और जो हमारा प्लास्टिक यूज होता है उसका है, जो थिकनेस होता है वो 1.62 mm 0.62 mm होता है। ये जो चार मटेरियल है ये मिलकर हमारा एक्सरे कैसेट का फ्रंट बनता है। अब इसका काम जो क्या होता है, इसका ये मटेरियल से जब हमारा एक्सरे कैसेट का फ्रंट पार्ट बनता है तो इसका प्रॉफिट क्या क्या होता है, तो स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस होता है, लाइट इन वेट होता है, लो बीम एब्जॉर्प्शन होता है, ये तीन जो हमारा एडवांटेज है। और देखिए द कैसेट फ्रंट ऑल्सो कंटेंट्स ऑफ इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड कैसेट ब्लॉकर। द लीड ब्लॉकर इज यूज फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस। जो हमारा एक्सरे कैसेट का ऊपर से यूज जो होता है एक लीड का, वो आइडेंटिफाई करने के लिए राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, क्या है, उसके लिए होता है। अब देखिए हम बैक साइड देखेंगे, एक्सरे कैसेट का जो बैक साइड होता है वो किस किस मटेरियल से बना होता है और क्या क्या काम होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है। जैसे मैं देखिए द कैसेट बैग इज मेड फ्रॉम मेटल और प्लास्टिक एंड लाइन विथ लीड फॉइल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम बैक स्कैटर। द थिकनेस ऑफ लीड फॉइल इज 0.12 mm। द कैसेट बैग इज ऑल्सो कंसिस्ट बैक इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड फोम पैड। द कैसेट इज लॉक बाय लॉक स्विच और सीलिंग लॉकिंग बार्स। कैसेट फिटिंग जो हमारा बैक साइड में जो वो लॉक दिया गया होता है और फिटिंग जो होता है वो कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे में क्लिप्स यूजुअली स्टेनलेस स्टील। जो हमारा क्लिप्स होता है एक्सरे कैसेट के बैक साइड में वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। हिंज मेड फ्रॉम मेटल और प्लास्टिक, जो हिंज होता है वो नीचे तानने और खुलने के लिए ओपन, और वो मेटल से और प्लास्टिक से बना होता है। जैसे में प्रेशर पैड जो होता है वो बना होता है प्लास्टिक फोम और स्पॉन्ज से। अब देखिए एक्सरे कैसेट का जो बैक साइड होता है वो मेटल प्लास्टिक और जो लाइन होता है साइड साइड में वो लीड से बना होता है, उसका जो थिकनेस होता है 0.12 mm होता है। अब ये इंटेंसिफाई स्क्रीन का प्रोटेक्ट करता है, जो बैक साइड में इंटेंसिफाई स्क्रीन होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। और ये हमारा हो गया एक्सरे कैसेट का बैक साइड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्स